स्टूडेंट दिस इज देरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मल्टीवेरियट एनालिसिस दैट इज द फैक्टर अनालिसिस वॉट इज द फैक्टर एनालिसिस हम इसमें स्टडी करते हैं कि फैक्टर एनालिसिस बेसिकली क्या है द फैक्टर अनालिसिस एब्रिवेटेड टू एज एफ ए स्टैंड फॉर फैक्टर अनालिसिस इज अ वेरिएबल ड्राइव टेक्नीक दैट इज अप्रोप्रिएट वेन द वेरिएबल अराइजेज ऑन इक्वल फुटिंग अब इक्वल फुटिंग को अभी हम देखते हैं कि इक्वल फुटिंग का क्या आइडिया है यहाँ पे द आइडिया इज़ टू ड्राइव द न्यू वेरिएबल कॉल्ड फैक्टर अब ये फैक्टर कैसे बना वी हैव द सीरीज ऑफ वेरिएबल अब सीरीज ऑफ वेरिएबल फॉर साइकोलॉजी की मैं को कोई आपको एग्जाम्पल दे दूँ मीन फीलिंग सैड काम में दिल नहीं लग रहा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नींद भी नहीं आ रही यानी एन्ज़ाइटी फैक्टर्स हो रही हैं अब ये एन्जाइटी मुझे हो रही है ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे लग रहा है कि इनको लेके मैं अगर इस ग्रुप का नाम डिप्रेशन रख दूँ जिसमें फीलिंग भी सैड है आपका काम में दिल भी नहीं लग रहा और मूड भी नहीं हमारा हो रहा इसमें तो इसका ये जो आपके पास इस टाइप के वेरिएबल हैं तो हमने उसका एक फैक्टर बना दिया दैट इज़ कॉल्ड दी डिप्रेशन अब वो आपके पास क्या सीरीज ऑफ वेरिएबल रिड्यूस हो गए कि इसमें एक फैक्टर में और उस फैक्टर का नाम हो गया डिप्रेशन अब जाए मैं सारे वेरिएबल्स को स्टडी करूं मैं वो एक फैक्टर स्टडी कर लेती हूं ठीक है अब वो इक्वल फुटिंग क्या है कि सारे वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं कोई वेरिएबल हम यहां से एलिमिनेट नहीं करेंगे बट हम देखेंगे कि ये वेरिएबल कौन से ग्रुप में लाइक करता है हम वो फैक्टर बना लेंगे मीन्स वो हम ग्रुप बना लेंगे उस ग्रुप को हम कह रहे हैं दिस इज द फैक्टर द वेरिएबल अलाइजिस ऑफ इक्वल फुटिंग The idea is to drive the new variable कॉल factor. अब new variable यानी वो कैसे बना factor? वो आपके पास उन्हीं variables जिनको हम study कर रहे थे उनको हमने देखा ये किस factor में जा रहे हैं ये किस group में जा रहे हैं हमने उनको factor का नाम दे दिया which will give us better understanding of the data. ठीक है ना अब हम वो सारों को करने के बजाय हम उस एक डिप्रेशन के फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं फैक्टर एनालिसिस इज अ स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न इन अ सेट ऑफ डेटा एंड टू डिटर्मिन विच वेरिएबल आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर ठीक है ना क्लियर हो गया कि कैसे हमने जो एक जैसे वेरिएबल्स थे कौन से आपके पास रिलेटेड वेरिएबल्स थे क्लोजली रिलेटेड टू तो ईच अदर उसका हमने एक ग्रुप बना दिया जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स

अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट दे कैन एक्सप्लेन दी पैटर्न ऑफ दी ऑब्जर्व वेरिएबल ये ऑब्जर्व वेरिएबल थे फीलिंग सैड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली रूटीन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ये आपके पास क्या थे ये ऑब्जर्व वेरिएबल थे उसका हमने फैक्टर बना लिया फैक्टर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर स्टेटिस्टिकल मॉडल येस प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट प्रॉपर स्टेटिस्टिकल मॉडल नहीं था बट फैक्टर एनालिसिस हमारे पास प्रॉपर स्टेटिस्टिकल मॉडल है एंड इज मोर कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द को वेरियंट स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएबल्स देन विथ एक्सप्लेनिंग देश प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट में हम क्या चेक करते हैं वेरियंट स्ट्रक्चर और फैक्टर एनालिसिस में हम वेरियंट स्ट्रक्चर के साथ हम को वेरियंट स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं फैक्टर एनालिसिस इधर स्टेटिस्टिकल मैथड दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न इन डेटा एंड रिड्यूज द डायमेंशनलिटी अब रिड्यूज कैसे हो गए डायमेंशनैलिटी क्योंकि जो वेरियंट्स आपके पास वेरिएबल्स थे वो तो वेरिएबल्स अब फैक्टर में कन्वर्ट हो गए बाय फाइंडिंग अंडरलाइन लेटेंट वेरिएबल्स और फैक्टर इट इज़ कॉमनली यूज इन दोशल साइंस ये सोशल साइंस में हम यूज कर सकते हैं आपके पास यही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे पास हैं मेडिकल साइंस में हम यूज़ करते हैं कि ये आपके पास जो आप डिजीज़ बता रहे हैं सिम्टम्स बता रहे हैं ये सिम्टम्स आपके पास कोलेस्ट्रॉल हाई है या बी या शुगर का पेशेंट है वो हमारे पास ये ये सिम्टम्स सारे इस डिज़ीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो वेरिएबल्स जो हमारे पास वो सिम्टम्स बेसिकली वो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को लेके हमने कह दिया कि ये वेरिए ये सिम्टम्स अगर होंगे तो ये किस डिजीज को फॉलो करें ये ब्लड शुगर को के ग्रुप में जा रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास क्या इट इज कॉमनली यूज इन द सोशल साइंस साइकोलॉजी मार्केटिंग हेल्थ साइंस यहाँ पे मिस है हेल्थ में भी बहुत यूज होता है फैक्टर एनालिसिस एंड अदर फील्ड टू अनकवर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल एंड सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर वही आपके पास हो गए ना इतने सारे वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स डेटा आपके पास है ना ना उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिफरेंट फैक्टर्स में इन अदर वर्ड्स फैक्टर एनालिसिस हेल्प टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा सेट बाय आइडेंटिफाइंग फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द वेरिएबल ऑब्जर्व इन द डेटा अच्छा एक चीज और है कि आपके पास वेरिएबल जो सेम काइंड के आ रहे हैं आप उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं बट ये बहुत ध्यान से हमें करना है उसके लिए तो खैर सॉफ्टवेयर हमारे पास है एस पी एस एस वहाँ से आप डिटर्मिन कर लेते हैं बट उसके पहले उसकी जो अजाम्शन है हमने वो भी सारी चेक करनी होती है फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सर्वे विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन फैक्टर एनालिसिस कैन यूज टू आइडेंटिफाई द की अंडरलाइन फैक्टर्स और थीम्स दैट आर बीन मायर्ड बाई द क्वेश्चन सेम ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन मीन्स हमारे पास वेरिएबल्स हैं अब वो लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन हम उसको कैसे हैंडल करें उसको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया अब वो जो ग्रुप है मीन्स के वो जो फैक्टर है हम उसको स्टडी कर लेंगे अब एक फैक्टर के दूसरे फैक्टर के साथ भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं फैक्टर्स के अंदर भी हम उसको स्टडी करेंगे द गोल ऑफ फैक्टर एनालिसिस इज टू एक्सप्लेन द कोरिलेशन स्ट्रक्चर को रिलेशन स्ट्रक्चर भी है ना कि हम उस एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ भी स्टडी कर सकते हैं अमंग अ अ सेट ऑफ ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स स्मॉलर नंबर ऑफ अंडरलाइन और फैक्टर्स द फैक्टर्स आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व बट फ्रॉम द ऑब्जर्व वेरिएबल फैक्टर एनालिसिस अज्यूम दैट द दब्जर्व वेरिएबल आर इंफ्लुएंसड बाई अंडरलाइन फैक्टर विच आर माइअर्ड विथ आर यह आगे अब उसकी आपके पास अजाम्शन है कि हम इस तरीके से उसको चेक करेंगे सो देअर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस फर्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस एंड अदर इज दंफर्मेट्री फैक्टर अनालिस एक्सप्लेनेटरी फैक्टर अनालिस अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारा हमारे पास कौन सा था एक्सप्लेनेट्री फैक्टर अनालिसिस is to use to identify the underlying factor that best explain the correlation structure among the observed variable okay abhi m kiya sarakiya hamare correlation structure check factor analysis cfa cfa means confirmatory factor analysis is used to test whether a pre-specified factor model fit the data well अब कन्फर्मेटरी एनालिसिस से पहले फैक्ट कन्फर्मेटरी एनालिसिस से पहले हमें फैक्टर एनालिसिस की भी हाउ होनी चाहिए सो so, आपका बेसिक जो वो है आपका सिलेबस उसके अंदर हमारे पास जो है वो बेसिकली एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस है आफ्टर दैट हम फिर कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस को भी स्टडी कर सकते हैं अब फैक्टर एनालिसिस हम एस पे कैसे करें कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं वो कुछ आपके पास स्टेप्स हैं द स्टेप फॉर कंडक्टिंग फैक्टर एनालिसिस आर एस फेलो फॉलोस डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर टू एक्सट्रैक्ट कैसे डिसाइड करेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं हम यूजिंग द आइगन वैल्यू और द स्क्री प्लॉट ठीक है बेसिक हमारे पास क्या है कि हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं फैक्टर आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग आइगन वैल्यू कहाँ से आती है प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट अनलिसिस से तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या और है प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट अनालसिसिसिस से हम फाइंड कर रहे हैं और यहाँ हम उसका स्क्री प्लॉट चेक कर रहे हैं और पैरल एनालिसिस सेकेंड स्टेप चूज द मेथड ऑफ फैक्टर एक्सट्रेक्शन फैक्टर एक्सट्रेक्शन अब हमने कैसे चूज करनी है सेवरल मेथड है इंक्लूडिंग पी सी ए प्रिंसिपल एक्सेस रोटेशन मैक्सिमम लाइवलीहुड एंड अदर्स वो हमारे पास ऑप्शन आती हैं एस में कि हमने किस के अकॉर्डिंग फैक्टर एक्सट्रैक्शन करनी है प्रिंसिपल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग करनी है हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्स फैक्टरिंग करनी है या हम एम के अकॉर्डिंग इसको एक्सट्रैक्शन करेंगे नाउ द थर्ड स्टेप इज टू डिटर्मिन द रोटेशन मैथड अब रोटेशन मैथड हमारे पास क्या है रोटेशन मैथड से ईजीली हम फैक्टर्स डिटर्मिन कर लेते हैं रोटेशन मेथड्स हमारे पास है वेरी मैक्स एंड रोटेशंस एंड द फोर्थ अ ऑर्थोगे अब मॉडल फिट कब होती है जब आपके पास एक फैक्टर डिटर्मिन हो गया है उस एक फैक्टर की हमने टेस्टिंग करनी है उस टेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमने फैक्टर बनाया है वो हमारे पास गुड है या हमारे उसके में कोई एरर है उसको चेक करने के लिए हम फर्दर उस फैक्टर की टेस्टिंग कर रहे हैं वो हम काइस्र टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं कंपैरेटिव फिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी रूट मीन स्क्यर एरर के अकॉर्डिंग भी हम मॉडल की टेस्टिंग कर सकते हैं यानी कि जो हमने फैक्टर बनाया उसकी हम टेस्टिंग कर लेंगे और फाइनली इंटरप्रेट है हमने रिजल्ट्स को और इंटरप्रेट किसके अकॉर्डिंग हो रही है लुक एट दी फैक्टर लोडिंग्स अब फैक्टर लोडिंग्स क्या हैं बेसिकली इन फैक्टर लोडिंग्स के अकॉर्डिंग हम फैक्टर्स बनाते हैं लुक एट दी फैक्टर लोडिंग्स हमने लोडिंग्स देखनी है टू डिटर्मिन विच वेरिएबल आर मोस्ट स्ट्रांगली रिलेटेड टू ईच फैक्टर उस फैक्टर लोडिंग्स के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिन कर रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल जो हमारे पास आ रहा है वो स्ट्रांगली रिलेटेड है अदर फैक्टर से फैक्टर लोडिंग्स रिप्रेजेंट द कोरिलेशन बिटवीन ईच वेरिएबल एंड ईच फैक्टर तो फैक्टर लोडिंग्स दिस इज दी अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ इन फैक्टर अनॉलिस इन एनालिसिस के फैक्टर लोडिंग्स के थ्रू हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा कौन सा वेरिएबल्स जो है वो स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है उस फैक्टर के अंदर फैक्टर लोडिंग रिप्रेजेंट द कोरिलेशन बिटवीन ईच वेरिएबल एंड ईच फैक्टर फर्दर इसके बाद हम फैक्टर अनालिसिस को नोमैरिकली चेक करने के बाद हम इसको सॉफ्टवेयर पर भी डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे फैक्टर्स हम डिटर्मिन करें सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द फैक्टर अनालिसिस